हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट मैट्रिक, जो झारखंड में पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होता है, वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और लास्ट डेट 24 तारीख को है दोस्तों। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों कि कैसे आपको स्कॉलरशिप 100% आपको मिलेगा दोस्तों, और आपका उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखना होगा दोस्तों, आपको क्या क्या इसमें लगने वाला है दोस्तों, और इसको पूरा आपको। तो फ्रेंड, इसके लिए हम इसके जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, उस पर हम उसको देख के हम आज पूरा समझाएंगे दोस्तों कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों उसको यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है दोस्तों, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय झारखंड मंत्रालय धुरवा रांची, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत पहले आया था दोस्तों। और इसको हम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा समझेंगे दोस्तों, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा यहाँ पे देख सकते हैं, अधिसीमा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो इसमें आपको यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति को यहाँ पे 2.5 लाख तक यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। आय यहाँ पे आपका 2.5 लाख तक है, तो आप यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसी तरह यहाँ पे पिछड़ा जाति को यहाँ पे 1.5 लाख तक दिया गया है दोस्तों, और इसके ज़्यादा का आपका है इनकम तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इससे कम का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन का प्रक्रिया दिया गया है दोस्तों, कैसे आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पे जाना है, और आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसमें आपको गार्जियन का सिग्नेचर करना होगा, और अपना सिग्नेचर, और फिर से अपलोड करना होगा दोस्तों। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम जो दिया गया है, कहाँ तक आपको चाहिए इनकम यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं दूसरा नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इनकम सर्टिफिकेट CO SDO या ऊपर का आयुक्त, जैसे DC तक, CO से लेके DC तक आपका जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा वो यहाँ पे काम करेगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी वही है दोस्तों, आपका CO SDO या DC कहीं का हो इसमें आपका काम करेगा दोस्तों। और यहाँ पे इनकम का जो दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं डेट डेट दिया गया है दोस्तों कि आपका 1/4/2019 के बाद का होना चाहिए इशू डेट दोस्तों। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट हो उसमें आपका 1/4/2019 के बाद का इशू डेट होना चाहिए, और उसके पहले का है तो वो नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी उसी तरह है, अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी कहीं से भी आपका बना हो यहाँ पे आपका मान्य है दोस्तों, और आप अपलोड करेंगे तो उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है, केवल रिजेक्ट किया नहीं जाएगा। इसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका सही होना चाहिए, और इसमें आपको 1/4/2019 के बाद का इसमें होना चाहिए इशू डेट दोस्तों। और उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोनाफाइड यहाँ पे मांगा गया है, जो आपके संस्थान द्वारा आपको मिलेगा दोस्तों, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज द्वारा आपको यहाँ पे दिया जाएगा, उसको आपको यहाँ पे लगाना होगा। बोनाफाइड में आपको रेफरेंस नंबर और सिग्नेचर मोहर सब कुछ सही सही होना चाहिए दोस्तों, और कोई भी उसमें खाली स्थान नहीं होना चाहिए, आपका सेशन क्या है और जो भी रोल नंबर और रोल कोड ये सब होता है वो सब उसमें फिल होना चाहिए दोस्तों, और कुछ भी खाली रहेगा उसमें तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिछला साल का मार्कशीट यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों, पिछला साल पिछले क्लास में जो आप पढ़ रहे थे उसका पास, जो पास आउट हो गए हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मार्कशीट आपको मिला होगा यहाँ पे आपको उसका मार्कशीट यहाँ पे लगाना होगा दोस्तों, ओरिजिनल यहाँ पे कलर में लगाना होगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक पासबुक चाहिए, जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड लिखा होना चाहिए, और आधार संख्या आपका बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए दोस्तों, आधार आपका बैंक से जुड़ा होना चाहिए।
और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको छात्रवृत्ति उसी अकाउंट में दिया जाएगा जिसमें आपका आधार लिंक रहेगा दोस्तों। तो इससे इसके लिए आप वहाँ पे बैंक में जाके अपना आधार लिंक करा दे दोस्तों। आपका अभी तक आधार लिंक नहीं है तो आप उसमें आधार लिंक करा दे। और यहाँ पे देख सकते हैं डेट दिया गया है दोस्तों, कार्रवाई प्रारंभ होने की तिथि, ये सब डेट दिया गया है दोस्तों। तो इसमें देख सकते हैं आवेदन स्टार्ट कब से है, यहाँ पे देख सकते हैं 1/1/2019 से यहाँ पे 24/9 तक दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे जिला स्तर जो बैठक होगा यहाँ पे देख सकते हैं 25/9 से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पैसा भुगतान प्रक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट दिया गया है 1/10/2019, 1/10/2019 तक आपका सारा पेमेंट अकाउंट में दे दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। लेकिन अभी तक यहाँ पे हमेशा डेट बढ़ाया जाता है दोस्तों, इसलिए इस बार भी लेट बढ़ाया जा सकता है दोस्तों ऑनलाइन करने का। तो ये डेट का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। और इसके बाद आगे यहाँ, तो फ्रेंड इतना सारा बात तो आपको नोटिफिकेशन से बताया दोस्तों। इसके बाद इसके अलावा हम शुरू से लेके लास्ट तक फिर से हम बता देते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना होगा दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कास्ट, रेसिडेंट और इनकम, ये तो तीनों आपको चाहिए चाहिए। और इसके अलावा आपको आधार कार्ड रखना होगा अपने पास, एक फ़ोटो चाहिए, और आपको एडमिशन, जो एडमिशन कराते समय जो रसीद मिला होगा दोस्तों, एडमिशन डेट देखने के लिए उसमें आपको चाहिए दोस्तों एडमिशन रसीद, और आपको कॉलेज से बोनाफाइड लेना होगा दोस्तों, और आपको पासबुक, एक पासबुक चाहिए जिसका आधार से लिंक होना चाहिए दोस्तों अकाउंट। और इसके अलावा आपको सारी चीज़ें सही सही फिर इंटर करना होगा दोस्तों वहाँ पे ऑनलाइन करते समय। अगर उसमें भी कोई गलती होता है तो आप उसको फिर से एडिट कर सकते हैं जब तक लास्ट डेट इसका ख़त्म नहीं होता है। तो मैं ऑनलाइन करने वाला प्रोसेस को के लिए आगे वाला वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे इसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा दोस्तों। और कोई भी इसमें दिक्कत है तो कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।